कैसे हैं आप? मेरा नाम है एहतिशाम और आप देख रहे हैं टेस्ट मास्टर ऑफिशियल। आज की ये मेरी वीडियो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है और उन लोगों के लिए है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाली वैकेंसी में अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अप्लाई तो सारे करते हैं लेकिन उनमें से कामयाब सिर्फ चंद ही लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। और लोग कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट द थिंग इज़ हार्ड वर्क, के दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है लेकिन शर्त यह है कि मेहनत। और जो लोग यकीन करते हैं कि बगैर मेहनत के हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं तो उनकी सोच गलत है। बगैर मेहनत के इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो चलिए बगैर मेहनत के बगैर टाइम ज़ाया किए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में है। दोस्तों 3 से 4 ये वीडियोज़ हैं और अगर आप इनको ध्यान से करेंगे तो आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पाकिस्तान अफेयर्स के सारे एमसीक्यूज़ की जो सी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज़ कायदे आज़म। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज़ 9 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव बेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? द आंसर इज़ ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन? द आंसर इज़ 12 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन असेंबली? मोहम्मद अली बोगरा ने अपना बोगरा फार्मूला कब पेश किया था असेंबली में? तो इसका आंसर है अक्टूबर 1953। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन था? तो ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले का दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। दोस्तों ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस साल बहुत दफ़ा बहुत सी पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड? द आंसर इज 23 मार्च 1956। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्रिप्टेड फॉर प्रेजिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज 40 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन व्हाट टर्म्स वाज सेट फॉर प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज ही मस्ट बी अ मुस्लिम। के क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956? द आंसर इज उर्दू एंड बंगाली, बोथ ए एंड बी, उर्दू एंड बंगाली। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अबोगरेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज इस्कंदर मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अबोगरेटेड एंड मार्टियल लॉ वाज प्रोमोलेटेड? द आंसर इज अक्टूबर 1958। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान? द आंसर इज 8 जून 1962। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज प्रेसिडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अबोगरेटेड? द आंसर इज 20 मार्च 1969। एक्सैक्ट डेट इज 25 मार्च। जो एग्जैक्ट डेट है इसकी वो है 25 मार्च। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अबोगरेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बीकेम CMILA? द आंसर इज जनरल याहिया खान। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन मिस्टर ज़िया उल हक़ भुट्टो लॉन्च्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री? द आंसर इज
14 अगस्त 1973। क्वेश्चन नंबर 23, 21 है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। द आंसर इज पार्लियामेंटरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। द आंसर इज ऑल ऑफ देम, नेशनल असेंबलीज, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कौन सा महकमा था जिसने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया था, तो इसका आंसर है नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल बैकमेरल लेजिस्ट्रेल वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। द आंसर इज 1973। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन टू नेशनल असेंबली। द आंसर इज 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। द आंसर इज 100 सीट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द आंसर इज 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्टिकल 52(2)(b) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अबाउट डैश, सो इट इज अबाउट ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। द आंसर इज 234 आर्टिकल, 234 आर्टिकल्स थे 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, तो ये आर्टिकल्स थे 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल्स थे। दोस्तों मैं एमसीक्यूज़ को उर्दू में इसलिए रिपीट करता हूँ कि ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, सो द आर्टिकल्स वाज 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स थे इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973। हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, सो कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन डिड फातिमा जना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द आंसर इज 1939। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय डैश। द आंसर इज अमीरुद्दीन कदवई। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय डैश। द आंसर इज प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाकिस्तान फर्स्ट क्वाइन वाज इशूड ऑन। द आंसर इज 3rd January 1948, 3rd January 1948। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। द आंसर इज जेलम। क्वेश्चन नंबर 37 है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज। द आंसर इज रिवर सिंध। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। द आंसर इज जैस्मीन, चमेली का। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जो सा है परिंदा वो कौन सा है। द आंसर इज चकोर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु स्टार्टेड द फरेज मोमेंट। द आंसर इज हाजी शराफतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 41 है, कशफ उल महजूब वाज रिटन बाय डैश। द आंसर इज हजरत दाता गंज बख्श रजी अल्लाह तआला ना। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु रिसीव द फेमस बुक द इंडिया मसलोमांस इन 1872। द आंसर इज सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन। द आंसर इज 2nd August 1858, 2 अगस्त 1858। क्वेश्चन नंबर 44 है, द बुक कुतबत अहमदिया इज़ रिटन बाय डैश।
द आंसर इज सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन। द आंसर इज 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 46 है, अलामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन 1930। तो अलामा इकबाल ने अपना खुतबा अलाहाबाद कब पेश किया, तो 1930 में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब। द आंसर इज 1849। क्वेश्चन नंबर 48 है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। द आंसर इज मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948। द आंसर इज स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन विच ईयर द कश्मीर स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट तोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द आंसर इज 1930। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। द आंसर इज बम्बई। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। द आंसर इज ढाका। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु वाज द विक्टोरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। द आंसर इज लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है 54, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द आंसर इज सर आगा खान। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वाज पास्ड। द आंसर इज 1889। इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइड। द आंसर इज 1897। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु वाज द रियल नेम ऑफ टीटू मीर। द आंसर इज नासिर अली। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। द आंसर इज खैबर पास। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाने वाली लाइन कौन सी है, तो वो है खैबर पास। क्वेश्चन नंबर 59 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज। द आंसर इज सखर। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। द आंसर इज किथार रेंज। क्वेश्चन नंबर 60 है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28, 1998 एट डैश। द आंसर इज चागी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। जो पंजाब का टोटल एरिया है वो कितना है सूबे के लिहाज से। द आंसर इज 205,344 स्क्वायर किलोमीटर, 205,344 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज। द आंसर इज गिलगित। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन। तो इसके फाउंडर थे कायद आज़म। ये एक न्यूज़पेपर था का उस वक्त कायद आज़म के ज़माने का, जो इन्होंने बिल्ड किया था या फाउंड किया था, फाउंडर थे उस न्यूज़पेपर के। क्वेश्चन नंबर 65 है, पाकिस्तान स्टील मिल इज़ लोकेटेड इन डैश। तो पाकिस्तान की स्टील मिल कहाँ है, कराची में। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 67 है, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन। द आंसर इज 14 अगस्त 1973। क्वेश्चन नंबर 68 है, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। द आंसर इज अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 69 है, ICT स्टैंड फॉर। द आंसर इज इस्लामाबाद कैपिटल टियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 70 है, फर्स्ट करैक्टर ऑफ ह्यूमन राइट इज। द आंसर इज खुतबा हज्जतुल विदा।
फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इज खुतबा हज्जतुल विदा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली आर, द मेंबर ऑफ पंजाब असेंबलीज आर, द आंसर इज 371। क्वेश्चन नंबर 72 है, टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इज, द आंसर इज 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान इज, मजलिस शौरा पार्लियामेंट इज, तो उसके दो हैं हाउस, मजलिस शौरा के दो हाउस हैं, अपर हाउस इज नेशनल असम्बली एंड द लोअर हाउस इज सेनेट। क्वेश्चन नंबर 74 है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज इज, द आंसर इज प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 75 है, एस एन जी पी एल स्टैंड फॉर, सो ये एक एब्जर्वेशन है, तो इसका आंसर है सुई नॉर्थर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 76 है, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, तो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सिटी कौन सी है, तो वो है फैसलाबाद, पहली कराची, दूसरी सियालकोट और तीसरी फैसलाबाद, पहली कराची, दूसरी मुल्तान, तीसरी फैसलाबाद, और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट सिटी है और ये सनती इलाके हैं या सिटी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, फर्स्ट सेंसियोर वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर ऑफ 1951। क्वेश्चन नंबर 78 है, सदकैन इज फेमस फॉर डैश, द आंसर इज पेंटिंग एंड कैलीग्राफी, पेंटिंग एंड कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 79 है, द मुस्लिम केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ, सो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये काफ़ी मरतबा आ चुका है, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, और सिंध को फतह करने वाले भी मोहम्मद बिन कासिम ही थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, द एरिया बिटवीन रिवर जेलम एंड चिनाब इज कॉल्ड डैश, द आंसर इज गंधारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगहालपुर इज सिचुएटेड इन डैश, द आंसर इज लाहौर। क्वेश्चन नंबर 82 है, द रुइंस ऑफ हरप्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश, द आंसर इज साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, अब्दुल रहमान चुगताई वाज अटैक विद द आर्ट ऑफ डैश, द आंसर इज पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच इज़ द सिक्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान दुनिया की छठी फेमस कंट्री में या पॉपुलेटेड मशहूर कंट्री में आता है, या वो पाकिस्तान की आबादी भी के लिहाज से भी। क्वेश्चन नंबर 85 है, थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, द आंसर इज़ पंजाब, थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, द आंसर इज़ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु इज़ द फर्स्ट पंजाब पोएट, तो आंसर है बाबा फरीद। क्वेश्चन नंबर 87 है, हु वाज द हीरो ऑफ पाक इंडिया 1965 वार, 1965 की वार में जो हीरो थे वो कौन थे, तो इसका आंसर है मेजर राजा अजीज भट्टी। क्वेश्चन नंबर 88 है, द नेम ऑफ द पोएट हुज कलेक्शन ऑफ पोएट इज कॉल्ड, शाह जो रिसोल रिसालू, सो द आंसर इज शाह अब्दुल लतीफ भट्टी। और ये आई थिंक सिंध के पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज, द आंसर इज फटा खजाना, इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 90 है, उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्केश लैंग्वेज, इट मीन डैश, उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्केश लैंग्वेज, उर्दू एक तुर्किश जबान का लफ्ज़ है, तो इसका मानी क्या है, द आंसर इज़ आर्मी। क्वेश्चन नंबर 91 है, हु रोट मेजर कौसर, मौजा कौसर, द आंसर इज शेख मोहम्मद इकराम। क्वेश्चन नंबर 92 है, नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो कौन सी जबान थी जो इंडिया में कुरान पाक को पहली दफ़ा ट्रांसलेट किया गया था, द आंसर इज सिंधी।
क्वेश्चन नंबर 93 है, मदर मिल्लत फातिमा जना डाइड इन द ईयर ऑफ डैश, द आंसर इज 1967। क्वेश्चन नंबर 94 है, अहमद शाह पेट्रस बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ डैश लैंग्वेज, द आंसर इज उर्दू। अहमद शाह पेट्रस बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु इनॉगरेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द आंसर इज कायदे आजम। क्वेश्चन नंबर 96 है, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 97 है, पाकिस्तान कोड ऑफ नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज, द आंसर इज पीके। क्वेश्चन नंबर 98 है, वेयर इज वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड, द आंसर इज खैबर पख्तूनख्वा। सो वर्सक डैम खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 99 है और ये सेकंड लास्ट है, शक्कर पारेन इज सिचुएटेड इन, द आंसर इज इस्लामाबाद। शक्कर पारेन इज सिचुएटेड इन डैश इस्लामाबाद। सो लास्ट क्वेश्चन है 100, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आंसर इज कैरियन कांट, खारियन कांट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। वो कहते हैं ना, डू गुड एंड इट विल कम बैक एन अनएक्सपेक्टेड वे, कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो वो घूम फिर के आपके पास सबसे अच्छे तरीके से आता है, जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कि आपके गुणमान में भी नहीं होता। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो जाए।